निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। कांग्रेस का एक साल पूरा कल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसको जश्न के रूप में मना रही है। इन एक साल में राजस्थान पूरे काले अध्याय से निकला है। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है, महिलाओं की इज्जत सरे बारह बाजार चौराहे पर नीलाम हो रही है, हालत एक विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है और ऐसे एक साल के पूरे कालखंड के बाद भी सरकार कहती है कि हमारा शासन अच्छा चला और उसको हम जश्न के रूप में मनाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस काले राज के कांग्रेस शासन के काले एक साल को हमने उपवास के रूप में मनाने के लिए एक ही बात है कि सरकार जागे और राजस्थान को ठीक तरह से शासन दे सके। दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में कहते हैं कि हम देश को लोकतंत्र को बचाने की बात को लेकर के जा रहे हैं। राजस्थान में लोकतंत्र भी चौपट है, शासन भी चौपट है और आम आदमी पूरी तरह त्रस्त है। इस शासन के खिलाफ में हमारा उपवास आंदोलन है। अभी राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की थी कि 12 बच्चा राहुल जी सावरकर हो भी नहीं सकते, राहुल जी सावरकर के आसपास भी नहीं फटकते। वो स्वयं बता दें कि वो तो गांधी के पास भी नहीं है, गांधी कहाँ से लगाते हैं। अगर लगाना था हम हमारी भारत देश की परंपरा के हिसाब से राहुल गांधी की दादा परदादी जो हैं उनकी शादी फिरोज खान से हुई थी, वो गांधी लगाते थे। इनके नाम के आगे गांधी कहाँ से लाया इस बारे में बता दें। आज सावरकर के बारे में टिप्पणी करते हो, उस आदमी के बारे में टिप्पणी करते हो जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में देश में पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का काम किया। आप उस सावरकर के बारे में टिप्पणी करते हो जिसने कहा कि एक बार नहीं कई बार यात्रा झेलने के बाद भी इस देश की आज़ादी से ले कभी भी उसे मुँह मोड़ने का काम नहीं किया। आप उस आदमी का आलोचना करने का काम करते हो जिस व्यक्ति ने जेल से निकलने के लिए माफ़ी मांगी होगी लेकिन हर बार जेल से निकलने के बाद उस अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ संघर्ष खड़ा करते हुए आज उसने एक आंदोलन खड़ा किया। आप उस आदमी की आंदोलन आलोचना करते हो सावरकर की जिस सावरकर ने जीवन में एक बार नहीं दो बार काले पानी की सजा हुई और उसको भुगतने के बाद भी आज़ाद हिंदुस्तान में भी अपनी आवाज़ को बुलंद रखने का काम किया।